अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ एहसान अली लाहौर रियल स्टेट के चैनल से। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +92301168168। व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे फेस 7U ब्लॉक के मतलब। व्यूअर्स, वीडियो बस स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताता चलूँ कि ये फेस 7U ब्लॉक का अपर पोर्शन है। इसके मतलब आज मैं आपको पूरा एक्सप्लोर करवाने जा रहा हूँ। ये मैं जो इस अप्रोच से एंटर हुआ हूँ, ये बेसिकली आपको एक्स और वाई की डिवाइडिंग रोड है। ये आपको नीचे ग्रिड स्टेशन भी नजर आया होगा। ये जो करंटली नंबरिंग चल रही है, ये कोई 700-800 की नंबरिंग है फेस 7U ब्लॉक के अपर पोर्शन की। 700 और 800 की नंबरिंग के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर घर जो है वो थोड़ा रिलेटिवली कम बने हुए हैं। ये आप देख सकते हैं कि इस स्ट्रीट में आपको एक घर नज़र आएगा, और वो जो नीचे नाले वाले के साथ थी ग्रिड स्टेशन के साफ पानी के नाले वाले लोकेशन, उसके ऊपर भी आपको घर थोड़े कम बने हुए नज़र आएंगे। इसमें आपको जो रीज़न है वो मेरी भी आउट ऑफ इमेजिनेशन है कि मैं इसको क्या इमेजिन करूँ, कि इसमें क्या आपको रीज़न दे सकूँ। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि 900 की नंबरिंग में इसके ऑपोजिट जो है वो घर काफ़ी ज़्यादा बना हुआ है। यहाँ पर घर कम बना हुआ है, लोकेलिटी इसकी सेम है। उसको मे भी आप ये कंसीडर कर सकते हैं कि टी ब्लॉक का जो पोर्शन है उसकी वजह से इसको एक एज हासिल है, कि टी ब्लॉक में जो कंस्ट्रक्शन है वो काफ़ी ज़्यादा हुई है, तो वो एरिया लगता है बिल्कुल बिल्कुल टी ब्लॉक के ऊपर है। टी ब्लॉक की 100 और 200 की नंबरिंग की इस वजह से शायद हो सकता है वहाँ पर कंस्ट्रक्शन ज़्यादा हुई हो, और 700-800 की नंबरिंग एक्स ब्लॉक के ऑपोजिट आती है, इस वजह से इसमें लगता है कंस्ट्रक्शन थोड़ी कम है। और ये यू ब्लॉक के जो बेसिकली डिवाइडिंग रोड है, इसमें आपको मैं बताया पहले भी लोअर पोर्शन में भी कि इसमें 2 पॉकेट्स हैं यू ब्लॉक की फेस 7 की, और इसमें ये राइट वाली 700-800 की नंबरिंग की पॉकेट थी। ये अब ये मैं टर्न करके बेसिकली यू ब्लॉक की 900 की नंबरिंग जो है उसके अंदर एंटर करूँगा। आपको ये डायरेक्टली आपको फेस 7 यू ब्लॉक की 900 की सीरीज़ के अंदर मैं आपको एंटर कर रहा हूँ। इसमें आप देख सकते हैं कि घर काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। फेस 7U ब्लॉक के इस पोर्शन में सबसे ज़्यादा कंस्ट्रक्शन आपको नज़र आएगी रिलेटिवली बाकी सारे ब्लॉक के, चाहे वो 100, 200, 300 कोई भी नंबरिंग हो। 900 की नंबरिंग में ज़्यादा अट्रैक्शन कस्टमर को रही है, और यहाँ पर लोगों ने घर काफ़ी बनाए हुए हैं। इसमें आपको 900 और 1000 की नंबरिंग नज़र आती है। 1000 की नंबरिंग के साथ साथ आपको यहाँ पर 900 की नंबरिंग के अंदर कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ पर आपको ऐसे ही लगेगा जैसे आप फेस 6 में घूम रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि यहाँ पर मैंने आपको जैसा कि बताया कि कंस्ट्रक्शन का मियार बहुत आला है। यहाँ पर कंस्ट्रक्शन 100% आपको ऐसे लगता है जैसे ऑक्यूपाइड घर हैं, और ये बिल्कुल फुलफिल्ड है। यहाँ पर आपको प्लॉट की जो प्राइस है वो तकरीबन आपको कोई 1.90 से 2 के राउंड मिलती है। कुछ लोग तो यहाँ पर 2.10 भी मांगते हैं, लेकिन आप इसको इमेजिन कर सकते हैं 200 ± के अराउंड। और ये अभी मैं आपको जिस एरिया में लेकर आया हूँ, ये बेसिकली राइट साइड पर आपको टी ब्लॉक का एरिया नज़र आएगा, और ये आप लेफ्ट साइड पे यू ब्लॉक है। ये यू ब्लॉक की 100 की नंबरिंग है, और इसके अंदर आपको मैं ये टी और यू का डिवाइडिंग रोड दिखाकर जो आया हूँ उसमें वो बेसिकली कमर्शियल एरिया उसका टी का साथ है, और 5 मरला का एरिया साथ है राइट साइड पे। और लेफ्ट साइड पे जैसे मैंने आपको बताया 900 की नंबरिंग है और 1000 की नंबरिंग है यू ब्लॉक की। और ये अपर पोर्शन में मैं आपको मज़ीद ऊपर की तरफ लेकर जा रहा हूँ। ये जो नंबरिंग यहाँ पर आएगी ये बेसिकली स्टार्ट होती है 100 से, और इसकी डबल डिजिट नंबरिंग बेसिकली यू ब्लॉक की आप कंसीडर कर सकते हैं इसको। इसमें जो है वो रेट्स आपको सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये मेन के नियर बाय मोस्ट नियर बाय एरिया जो है वो कंसीडर होता है। यहाँ पर आपको तकरीबन 2.25 के अराउंड डिमांड नज़र आती है, 2.20 के अराउंड डिमांड नज़र आती है। यहाँ पर आपको जो डील है वो ऑलमोस्ट 2.15 से 2.25 के इन बिटवीन होती हुई नज़र आएंगी। यहाँ पर आपको अगर बाइंग करनी हो तो इसी अराउंड ही आपको प्लॉट मिलेगा, और इसमें आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ी बेटर नज़र आएगी। यहाँ पर भी घर काफ़ी बने हुए हैं, यहाँ पर आप कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं रहने के लिए, और बहुत बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड है यहाँ पर जो घर बने हुए हैं। यहाँ पर आपको वैकेंट हाउसेज कम नज़र आते हैं, और जो बने हुए हैं मैंने जैसे आपको बताया वो ऑक्यूपाइड हैं, लोग उनमें रह रहे हैं। आप भी अगर इसमें कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हो तो ये बहुत सूटेबल है आपके लिए, बड़ी रीजनेबल अमाउंट में एक अच्छा घर आप DHA में बना सकते हैं अपना कनाल का। और इसके अंदर आपको इन्वेस्टमेंट भी करना चाह रहे हो तो बहुत फ्रूटफुल है, और इसके अंदर आपको कुशन स्टिल मिलेगा, प्रॉफिट मार्जिन स्टिल है इसके अंदर। मैंने आपको दिखाया जैसे वो जो नंबरिंग थी वो बेसिकली 90 से ऑलमोस्ट 120 की नंबरिंग थी लेफ्ट साइड पर। मजीद जैसे जैसे आगे जाते जाएंगे आपको ये जितनी वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं लेफ्ट साइड पर
इनमें नंबरिंग ज़्यादा होती हुई नजर आएगी, 200 से 300 की नंबरिंग नजर आएगी। राइट साइड में मेन की बैक है और उसमें डबल डिजिट की नंबरिंग है। ये एक मजीद आपको स्ट्रीट एक्सप्लोर करवाता हूँ मैं, इसमें आप देखें कि ये बेसिकली 300 की नंबरिंग राइट साइड पर चल रही है और लेफ्ट साइड पर 200 की नंबरिंग चल रही है। 200 की नंबरिंग ऑलमोस्ट एंड होती है इसमें 300 की नंबरिंग तक जाके लेफ्ट पे, और राइट वाली जो है उसमें 300 की नंबरिंग स्टार्ट होती है इसमें। ये रोड डायरेक्टली फेस 7 यू ब्लॉक का जो नीचे 100 फीट रोड है उस पे जाके एंड होगा। इसकी अप्रोच जो है वो बेसिकली मेन से डायरेक्ट है। इसके इन मेन रोड पे जो वर्टिकल स्ट्रिप्स हैं उनके अंदर आपको कट नज़र आता है, उससे डायरेक्ट अप्रोच जो है वो इस पोर्शन से फेस 7 यू ब्लॉक के लोअर पोर्शन को जाती है। मतलब ये फेस 7 मेन बुलेवार्ड की डायरेक्ट अप्रोच का ये पोर्शन है। जैसे मैं आपको बताया, देखिए नीचे 100 फीट रोड जो है ये इसको लोअर पोर्शन के साथ कनेक्ट करती है। इस रोड पे आपको मैंने दिखाया काफ़ी घर बने हुए हैं और इसके अंदर कंस्ट्रक्शन काफ़ी ज़्यादा हुई है, क्योंकि अप्रोच आपको नज़र आ रही थी कि मेन से डायरेक्ट थी इसकी अप्रोच। और इसके अंदर आपको राइट साइड पे जो नंबरिंग नज़र आएगी मजीद, वो वर्टिकल स्ट्रिप जो नज़र आएंगी वो बेसिकली 400 से 500 की नंबरिंग होगी। यहाँ पर थोड़ी कंस्ट्रक्शन आपको 100 200 की नंबरिंग की नस्बत कम नज़र आएगी। लेफ्ट साइड पर जैसे मैंने आपको बताया 700 की नंबरिंग चल रही है। राइट साइड पर आपके देख सकते हैं आप कि ओवरहेड वाटर टैंक आपको नज़र आ रहा है, ये 500 की नंबरिंग की ओवरहेड वाटर टैंक है। इसमें 535 बिल्कुल जुड़ा हुआ है ओवरहेड वाटर टैंक के साथ। और ये इसके साथ मैं आपको एंटर कर रहा हूँ, ये देख रहे हैं आप लेफ्ट साइड पे आपको बड़े पैचेस नज़र आएंगे। ये बेसिकली कम्युनिटी हॉल्स हैं और पार्किंग एरिया उसके साथ मार्की है DHA ने जो उसके साथ दिया, कुछ रिजर्व एरिया DHA ने उसके साथ रखा हुआ है। और वेदर वी डोंट नो कि उसमें अंदर वो क्या बनाते हैं, ये उनकी ही चॉइस है। और इसमें आपको कंस्ट्रक्शन मैंने आपको बताया, जैसे जैसे पीछे जाते जाएंगे हम कंस्ट्रक्शन थोड़ी कम नज़र आएगी आपको। ये राइट साइड पे 500 की सीरीज में आपको कंस्ट्रक्शन थोड़ी कम नज़र आएगी। यहाँ पर घर बने हुए हैं बट आई थिंक इतने ज़्यादा नहीं है कि आप किसे कह सके कि बिल्कुल रैपिड कंस्ट्रक्शन है इसके अंदर। ये लेफ्ट साइड भी आपको मैं जो स्ट्रीट विजिट करवा रहा हूँ ये हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप है, और ये यहाँ पर आपको मजीद ऐसे लेफ्ट साइड पे हॉरिजॉन्टल स्ट्रिप्स नज़र आएंगी। ये बेसिकली 500 की नंबरिंग इन स्ट्रिप्स में एंड होती है मेन की बैक पे, और ये नीचे 3-4 स्ट्रिप्स हैं इनके अंदर जो है वो 600 तक की नंबरिंग जो है वो आती है। और कम्युनिटी हॉल और मार्केट से ऊपर ही 3-4 स्ट्रिप्स हैं। ये एक स्ट्रिप मैंने आपको विजिट करवाई है, इनके अंदर भी कंस्ट्रक्शन जो है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पर जितने घर बने हुए हैं लोग उनमें रह रहे हैं। इसके अंदर आपको जो रेट्स देखने को मिलते हैं वो 220 से 225 के अराउंड है, 215 तक है। व्यूवर जिसमें आपको मजीद कोई क्वेश्चन हो, आपको इंक्वायरी हो, आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है +9230116816888। थैंक यू।